हेलो जी, राम राम जी सबका। एक और नए ब्लॉग के लिए एक और नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज डे है मंडे और टाइम हो गया है 9:10। अभी किचन को साफ करके नहा धो के रेडी हो गई हूँ ड्यूटी पे जाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रही हूँ एक बार रूम को साफ कर दूँ। देखो आप बिस्तर कैसे अभी लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे लेट उठे हैं और उठने के बाद बुक्स लेके बिस्तर पे ही बैठे रहे वो काफी देर तक कि मम्मा हम यही पढ़ाई कर लेंगे। तो अभी करती हूँ मैं इसको साफ, वो खेलने लगे अभी गली में। ठीक है, तो चलते हैं, काम करते हैं जल्दी जल्दी। राम राम जी सारिया ने, सारे देखने वाले ने मेरी प्यार भरी राम राम। और मोनिका जा चुकी है जी, इसके बाद वो कुछ शूट नहीं कर पाई, वो अपनी ड्यूटी पे चली गई। अब वो आपसे वहाँ से आने के बाद ही मिलेगी और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो ये सब जो बिखरा हुआ है जी, वो सारा समेटूंगी। या रजाई है या रजाई, दूसर की रजाई है हमारी। मेरी माँ ने कसूती भारे भरवा कर दी थी, ये बेचारी थोड़ी हड़की हो रही है, ओढ़ ओढ़ कर न, लेकिन ये भी बहुत बार आ रह रही है, उठा कर चल है ना, जब समण में कम आवे है। सॉरी सॉरी जी, देखो ये कुछ दिखाऊं मैं आपने। मारे एक सब्सक्राइबर ने, मारे एक देखने वाले ने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है, वॉच। हमारे लिए किसी ने ये वॉच भेजी है, बहुत ही प्यारी वॉच है। और हमारे घर में तो घने दिन तक जो घड़ी लाग रही थी वह खराब हो गई थी, फिर मैंने वो उठा कर रख दी, तो फोन आए तो काम चल गया था। ये भी सिने में लगा दूंगी। यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और यह हमारी दूसरी बार झाड़ू लागण लाग रही है, और शाम तक नहीं पता कितनी बार झाड़ू लग जाए। क्योंकि आपने पता है कि बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ हमेशा वो बिखेरेंगे और घर वाले सफाई करते रहेंगे, तो कुछ पता नहीं शाम तक कितनी बार झाड़ू पोछा हो जा है। अकेली हूँ घर पे तो कुछ ना कुछ खुरापा तो मैं करूँगी। मेरे के शांति हो रही है या घड़ी दरी दिखा है, मैं तो बस न्यू सोच रही हूँ या किसी तरह लाग जाए, घर वाला ने एकदम सरप्राइज मिला है, दीवार पर लागी दिखा या। उसके लिए ट्राई भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। देखो सोफे पर चढ़ कर भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन न्यू के बात बना है वो बात अंगूर खट्टे है, नहीं लग पा रही अपनी ओर तक। तो पूरी उसमें हूँ, अक लगा कर छोड़ूंगी, पर नहीं। यो देखो ये गिरती गिरती बची हूं मैं, लेकिन अब भी हार थोड़ी ना मानूंगी। ये बोर देखियो के सोचू हूं अके कहाँ लगानी है, या जुगाड़ कुछ तिगड़म जो जुगाड़बाजी लगा रही हूं। देखो ये मेरे ध्यान में आई कि सह घर पटांग दू हूँ इसने, पर फिर यह इला थी क्योंकि सेठ ना हो रही थी दाऊ सर मकाना, भाई बालक आऊंगे घेर छेड़ कर तोड़ देंगे इसने। घड़ी के मामले में हार मान ली और छोड़ दिया मैंने वो काम, घर वाले पे अपने आप आकर सेट कर देंगे उसने। इब मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन के पास, इसकी सफाई कर रही हूँ। लैटरिन वाला साफ कर दिया, बाथरूम वाला साफ कर दिया, ये रसोई के आगे लग रहा है, ये भी इसने साफ करूँ हूँ मैं। और पता के बात बना, पता ना किसा पानी आवे है, ये जो सूठी है इसके चारों ओर वाइट वाइट सा जम गया है, साफ कर ले। हाँ स्पेशल जूना है इसका और फिर दोबारा लाग जा है। कोई परमानेंट इलाज हो इस चीज का तो आप जरूर कमेंट करके बताइयो, क्योंकि इस तरह परेशान हो जाए हैं सारी जितनी भी टैप हैं घर में, सारी अपनी वो लग जा है, या पानी की खराबी है कोई। अगर आपने पता है तो जरूर बताइयो, मैंने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे अपने एक और मिशन पे जी, इब मैं पछोड़ूंगी इनकी माने, ये सुखा रखी है और 2-3 दिन तक बढ़िया काम पड़ा था, तो ये मेरे ख्याल से सूख गए होंगे। पहले तो चखा का देख लियो। हाँ बस इसे सूखेंगे बिंदना में, कति बढ़िया तो सूखा को ना, थोड़ी थोड़ी सी तवारा ही जा है, और बिना धोएगी हूं खाए बिना जाते गाम दिखते नु जी ललच जाएगी वाने धो लिया गी वाने धो लिया। क्यों आजकल खात इतना पड़ा है हर चीज में, फिर नु कनु जी उठता कोनी।
पके तो ये बढ़िया हो रहे हैं इविन ने। पछोड़ पछोड़ का कोई छोटा मोटा डंगा ना हो, गर्दा तो उठा को होगी थोड़ी बहुत दिक्कत, वह ठीक हो जाएगी। पछोड़ गया सारे काम बहुत जरूरी है, यो भी अपना एक बहुत मेन काम है घर का। और मारी बाण मारे भाई देखनी आनी कवा है आ कितना काम क्यों कर करो हो आम अमनी, यो काम सारी ये करे है, सब लेडीज करे है, जिसके घर में जो है वह ये सारे काम करे है। मान लिया हम घर का काम करके यूट्यूब पे करे है, तो वे भी कोई अपनी भैंस रखे है, कोई फिर सिलाई कढ़ाई करे है, कोई कुछ करे है, थाली कोई को ना। आज के टाइम में कोई भी लेडीज सी नहीं जो बेचारी थाली रहना पसंद करती होगी। हाँ वह मजबूरी हो जाए है कि किसी ने कोई काम धंधा मिलता नहीं, कोशिश तो उसकी भी है बेचारी की, लेकिन घर न रहने वाली भी साथ साथ अपने नुमाने डांगर डोर में आएगी दूध में कुछ न कुछ बचत करें, कुछ न कुछ अपने घर वाले का सहयोग करें, तो सारी कमेरी है। और हम क्या के कमेरे, हम भी वो ही काम करा हाँ जो आप सब करो हो। और हम भी है ना आपके साथियों न्यू शेयर करा हाँ, वीडियो बनाकर न डाले हैं यूट्यूब पे, तब नई साल आ गया है। जिस तरह अपनी मम्मी ते अपनी भाना ते अपने भाई ते हम वीडियो कॉल करके बात करा करे ना, वो फीलिंग आवे है वीडियो कॉल वाली, क्योंकि बाप सब भी हमारा कुनबा हो, अटैच है हम आपस में, कोई खुशी होगी कोई काम होगा कोई दुख होगा कोई सुख होगा सब आपके साथ शेयर होगा। और आप सब भी कमेंट करके बताओ हो दीदी यूं है, दीदी यूं है हमारे, और बहुत सी सी है जो कती अपने घर की एक एक न्यू बता दी है, उन तो यूं लागे है हाँ भाई ये बहुत अटैच है हमारे तय। हम और आप अब एक कुनबा हो रहे हैं जिसका नाम है हरियाणवी सितारे कुनबा, इसीलिए इस चैनल का यो नाम रखा है। मतलब वाह फीलिंग आ जाए है, जिस तरह हम अपने किसा अपने ते अपने किसा घर वाले तो बात कर रहे हैं जिस तरह वीडियो कॉल करके। अब आप सब तो मेरे दिखाई ना देते, लेकिन मैं तो आप सब ने दिखाई दू हूं ना, आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हो, मेरी फैमिली के साथ जुड़ रहे हो, हमारे सारे गला जुड़ रहे हो, तो यो प्यार प्रेम अपना न्यू बनाए रखियो, यो भाईचारा यो अपनापन कुछ कह लो। आज जिस तरह एक कमेंट आया कल की वीडियो में मैंने न्यू ना कही थी, रेमन कविता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो एक कमेंट आ रहा है एक बाण को ये थोड़ा बहुत बुरा मान रही है जी जीवा कौन सी है वह न्यू बोली, अच्छा बस वे दोनों आपकी फ्रेंड है हम कौन है, आप सब सबसे बड़े फ्रेंड हो, ठीक है आप सब तो वो फ्रेंड हो जो बिना हमारे साथ होए भी हमारे साथ हो, आप सब की बहुत जरूरत है। अगर आपका सपोर्ट ना हो ना तो हम कुछ को ना कुछ भी को ना, फिर तो हम तीन फ्रेंड भी शायद ना रहा है ना, तो आप सबसे बड़े फ्रेंड हो आप सब, ये छोटी छोटी बात नहीं फील मत कराया करो। और मैं तो चाहूँ फैमिली अपनी यो कुनबा अपना बहुत बड़ा हो जाए, और कभी कित ना कित कब थारे किसी प्रोग्राम में ब्याह शादी में किसी फंक्शन में किसी वाणे टेले में थम बुलाओ, मारा कुछ हो जाए तो हम बुलावा, सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा और कितनी ज्यादा अटैचमेंट बढ़ेगी। मैं तो है ना कई बार अमेजिंग सा कर लिया करू इसी बात ने आके, मतलब देखो कोई कित्ते का कोई कित्ते का, और हम कितना बड़ा कुनबा जुड़ रहे हाँ, वो क्या आकर ना कहीं की ईट कहीं का रोड़ा और बानमती ना कुनबा जोड़िया तो वो एक काम बन रहा है, कोई कित्ते का है कोई कित्ते का है ना, और सारे एक जगह आकर जुड़ रहे हैं और अटैचमेंट हो रही है बिल्कुल यूं दिल तय। देखो जी मेरी और मारे कुनबे की मारी तो सबकी हो रही है, आप सब भी बताइयो अगर आप सब ने भी ईसाई फील हुआ है जिस सामना हुआ है कि जिस तरह हम अपने परिवार से बात कर रहे हो, अपने काका ताऊ अपने भाई बंधु अपने भाभी अपने ननद या भाई अपनी बेबे अपनी माँ, हम तो आपने उनने जैसा मानना है। आप सब भी कमेंट करके बताइयो कि ईसाई है या भाई हम सोचे हैं ऐसा कि कोई बात हो हम लाग जाए हाँ आपके आगे शेयर करन, आप सबके साथ कोई काम हो कुछ हो शेयर करन लाग जाओ हाँ, बताइयो जरूर कमेंट करके।
मत सोचियो, नीचे गिरने लाग रही हूँ। अरे मेरे दर तसला धरा बढ़ाए पे छोड़ कर उसमें गालू हूँ। कदे नू मानते हो कि यार सोनल बावड़ी हो रही है, भर भर का छाज पे छोड़ कर साफ कर कर के ने, और नीचे गिर है तसला धरा मेरे दरे। कुछ काम इसे हूँ है जो उम्र के साथ साथ है ना अपने आप आ जाए हैं। जिस तरह मैं पहले देखा करती अपनी मम्मी ने अपनी दादी ने पीसना करती आना, तो वे देखो नू नहीं पे छोड़ा है नू। तो मैं नू सोचती मका सारे ना खंड जानू ते नू छाला गिवाने उल्टे इस समय कुकर आ जावे वे तो खंड जा सारे। पर ये बाद में पता लगा कि उम्र के साथ कुछ काम अपने आप ही आ जाए है इंसान ने, है ना? ऐसा ही है ना। हेलो जी, राम राम जी। चलो तो जी, अभी आई थी ड्यूटी से, तो मैं कह चलो चाय बना लेते हैं। सोनल आपने देखा था, पिछना करने लग रही थी। वो गेहूं जो दो रखे थे ना, वो सूखे थे, उनने साफ करा है, तो मैं अभी चाय बना लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मलाई उतार देती हूँ दूध से, और मलाई उतारने के लिए मैं यूज करूंगी इसका, छारनी का, क्योंकि फिर वही है कि हाथ बेसक से साफ कर लेते हैं, लेकिन किसे कैसे भी हो सकते हैं हाथ। तो फिर यूं है कि इससे आराम से उतर भी जाएगी, ठंडा भी नहीं लगेगा, और इजीली मलाई उतर भी जाएगी। साथ में दूध भी नहीं आता है, ऐसे खाली मलाई मलाई आ जाएगी। इसकी ऊपर भी अब दूसरे वाले की ओर उतार लेती हूँ। हाँ जी, हम मलाई उतारा करें, क्योंकि हम वैसे नहीं रखते ना, तो हम इस मलाई से ही घी बनाते हैं। तो एक दिन सोनल बता रही थी कि जी अंदर जाना चाहिए, वो मलाई के रूप में चले जाओ या घी के रूप में चले जाओ, तो मलाई उतार लिया करें। और 3-4 दिन में मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, उसका फिर घी बना लें। अभी यूं है, दूध में भी हाथ नहीं गले। और सुनाओ जी, चाय का तो टाइम हो रखा है जी। ये मेरी वेट कर रहे थे कि मोनिका आएगी तो सबकी इकट्ठी हो जाएगी। अब मैं बना देती हूँ चाय। आपकी भी बनानी है जी, बता दियो आपकी भी बनानी हो तो। आज धूप अच्छी निकल रही थी जी। आज क्या, लास्ट के 2-3 दिन हो गए धूप अच्छी निकलती है। मतलब कि ये है कि दिन में 2 पहर को तो स्वेटर निकल ही जाना है सबकी मोस्टली, बस सिर्फ सुबह और शाम की सर्दी रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन यू है कि देखो आगे 3 तारीख की बारिश बता रखी है, हो सकता है तब थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाए वेदर में, नहीं तो फिर इसका मतलब तो गर्मी आ ही गई। मतलब कि 2-3 दिन से तो इतनी तेज धूप आ रही है बहुत ज्यादा। जो गेहूं हमारे ये लगा लो लगभग 10 ही दिन हो गए थे उनको सूखते हुए, वो नहीं तब तक नहीं सूखे हो, ये 2 दिन में सूख गए। अब देखियो जी, मैंने तो शायद अब की बार देखा कि अदरक में भी कीड़ा लग जाता है। देखो इतनी सारी, अब मैं ये कट करके साइड में रखूंगी, इसमें तो अंदर भी है भाई ना, भाई इसमें तो कंप्लीट में ही है। अदरक में कीड़ा लग जाया करे जी, पता ना, लेकिन वही है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, मेरे सामने है। बट मैं यूं सोच रही थी कि अदरक वगैरह में तो नहीं लगता होगा। जब ये देखो जामुन में भी कीड़ा लग जाता है, कितनी खट्टी खट्टी होती है जामुन में, करेले में, इनमें भी कीड़े मिल जाते हैं। तो ठीक है वही बात, कीड़ों ने भी अपना टेस्ट बदल रखा है जी। ये वही कुछ हो, कितनी खट्टी चीज हो, सबके अंदर घुसना तो घुसना है। यहाँ मेरी चाय उबल गई है, देखो हो गई है तैयार। अब मैं पिला दूंगी सबको गरम गरम चाय। बन गई की? हाँ ना, चाय का वेट कर रही है, जल्दी दे दे थोड़ी सी, उबलने लग रही है बस, अब बढ़ जाए।
उन्हें कहीं जाना होगा, उन्हें कह रहे हैं कि चाय बनी नहीं हाजमा का, मैं देख कम मैं बात करने लग गई थी चाकू दिखा रही हूँ ना जी आपको, नहीं दिखा रही चाकू मैं नीचे रख रही थी, मैं तो बता रही थी कि मैं भाई इनसे बात करने लग गई थी, बस अभी डाल के दो मिनट मिले आप उबलने तो दे, मेरा ना खोआ कर दे चा का भी, तो फिर खोआ बढ़िया चा बढ़िया। मैं दे के आती हूँ चाय, पापा को दे आई और अब सोमन को दे देती हूँ। सब्जी सब्जी अच्छा चाय चालू हो जाती, सब्जी सब्जी कर रहे हैं सब्जी चाय रख ले, मैं भाई नजर आप पर आ दूं। इब पहला तो दिन मैं तब धूप थी खूब बड़ी आड़ी, अरे ये है ना मौसम खराब हो गया एकदम। 20 रुपए की एक चाय, मकट्ठा है चाय काट दूंगी तरह। 20 रुपए की एक चाय है जी, कड़क बिल्कुल समझ बिल्कुल कड़क वाली जी। एक चाय 20 की आती होगी जी, मैंने ज्यादा तो नहीं कह दी है, 15 की कर दूं। सब्जी 15 की है। छोटे साहब जी आपको भी चाय लेनी है? नहीं छोटे साहब जी को नहीं चाहिए, बड़े साहब जी को चाहिए। बड़े साहब जी को वैसे भी आज गुस्सा आया हुआ है, आज की ताजा खबरें, बड़े साहब जी को गुस्सा क्यों आया? गुस्सा क्यों आया साहब जी? गुस्सा ना आ रहा वही बात है, पिसना करू थी ध्यान देना पड़ा था, और जब तक बुखार होया ना नु ध्यान दिए तो शर्मा दर्द हो जाए मेरे। सब्जी चाय पियो साहब जी, और काम करना पड़े है बिल्कुल, काम तो पीछा छुटना है बिल्कुल जी। कहने ना अकलू भाई ने तो हर कितना काम पाओगा कितना जाले, वो विराट की मम्मी नहीं कह रहे ये काम तो लुगाई का डेरी हो है। आज की छुट्टी थी, कहने के लिए छुट्टी थी क्योंकि कविता को कुछ काम था वजा रही थी। ओके तो आज की हमारी छुट्टी होगी, हॉलीडे छुट्टी नहीं डबल काम हो गया, यो भी आज हो जाए, यो भी आज हो जाए छुट्टी है, यो भी आज हो जाए तड़का तक लाग रही हूँ तो इसलिए सब्जी परेशान है। और फिर पीसना करे ना ध्यान लाना पड़ा तो मेरे हो गया सिर में दर्द, कमजोरी सी आ रही है या जब तक बुखार चढ़ा ना यो इस बुखार पाछा इतनी कमजोरी बन दिया तो ध्यान लगा कर ना जिस काम में लग जाऊं तो सिर में दर्द हो जा है। कोई बात नहीं अब रामू चाचा आ गए हैं, अब सारा काम हो जाएगा सब्जी। चलो धन्यवाद हो जाएगा, रामू चाचा आ गए पी लो भाई सारी पी लो जी सारे चाय। चाय तो कति खोआ काट रखा है, मेरे ख्याल था आध घंटा उबाली है, पापा भी प्लाट में बाट देखते देखते बोला चाय रख रखी है, मका हाँ पापा रख रखी है। थोड़ी देर में फिर बोले बोला चा, मका पापा रख रखी है। थोड़ी देर में फिर बोला चा, इन्नी इन्नी देर तो नहीं लगाई भाई, मका चा नहीं आज खोआ में लगा चा का, इतनी देर तो ना लगाई ठीक, इन्हीं की आदत है चाय पर थोड़ा ज्यादा टाइम वो करा करे। बे चाय की जरूरत तो है सब ने क्योंकि यह एक लेडीज के लिए तो एनर्जी ड्रिंक है, काम कराए जाओ कितना है बीच बीच सभी के लिए है, लेडीज तो जेंट्स भी पीते हैं और आई थिंक कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बहुत सारी पीते हैं। सारा दिन काम करा लो बीच बीच में चाय मिल ले जाना, चाय का भी सारा हो जाए ना वहां भी दूसरा बना कर दे दे वो भी बहुत बड़ा सारा हो जाए, डूबते ना तिनके का सारा। आज की वीडियो देखी जी आपने और जरूर बताइयो किसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना, कमेंट करके तो पक्का बताना है। और जी चाय पी लो, मैं चाय पी रही हूँ, सिर में दर्द हो रहा है कुछ आराम मिल जाएगा। तो ये मेरे सारे हरियाणवी सितारे कुंबे ने प्यार भरी, राम राम।